हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल एनी टाइम फिट विद जितेंद्र। इस चैनल के अंदर मैं आपको ये चीजें बताता हूँ कि कैसे आप हर्बल एंड न्यूट्रिशन के जो आपको जरूरत हो उन प्रोडक्ट्स को आप यूज करके अपना रिजल्ट अच्छे से बना सकते हो और कैसे आप अपने वेट को मैनेज कर सकते हो, कैसे अपने आप को फिट रख सकते हो और कैसे आप जो बीमारियां हैं उन बीमारियों से बच सकते हो जो बेसिक एंड हार्ट अटैक या फिर डायबिटीज जैसी प्रॉब्लम होती है ओवरवेट की वजह से या अंडरवेट की वजह से, तो उन न्यूट्रिशंस को आप यूज करके फिट रह सकते हो। उसके अलावा इसके अंदर आपको वर्कआउट इंफॉर्मेशन भी मिलती है और दूसरा मेरे जो हेल्थ सेशन चलते हैं वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो आप इंटरेस्टेड हैं सारी चीजों को जानने के लिए तो मेरे आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि रात में शेक लेने के बाद में कुछ खा सकते हैं नहीं खा सकते। काफी सारे लोग इस चीज में डाउट में है कि भैया हम रात को शेक ले लेंगे तो हमें भूख लगती है तो हम क्या करें वहां पर, ले या नहीं ले, अगर ले लेंगे तो कुछ वेट बढ़ तो नहीं जाएगा, प्रॉब्लम्स तो नहीं आएगी, उसके बारे में हम यहाँ पर पूरा डिस्कशन करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं एक डिस्क्लेमर करता हूँ, हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन के आप जो भी प्रोडक्ट्स लेते हैं ना तो वेट लूज करवाते हैं ना ही वेट गेन करवाते हैं और ना ही किसी तरह की बीमारी को सही करते हैं। हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन जो प्रोडक्ट्स है वो गुड न्यूट्रिशन ऑफ सोर्स है, यानी कि आपकी एक बेसिक रिक्वायरमेंट को पूरा करते हैं। नंबर टू पर आते हैं मेरे 5 हेल्दी रूल्स जो मैं हर वीडियो में बताता हूँ, इसमें भी आपको वो फॉलो करने हैं बिकॉज 5 हेल्दी जो रूल्स है वही आपके रिजल्ट को डिसाइड करेंगे, ना कि कोई प्रोडक्ट्स डिसाइड करेगा, ना सिर्फ वर्कआउट डिसाइड करेगा। तो 5 हेल्दी रूल्स का जो कॉम्बिनेशन है वो आपके रूटीन में होना चाहिए। नंबर वन पर आता है आपका स्लीपिंग टाइम, यानी कि 7 to 8 hours आपको सोना है, बॉडी को रेस्ट करना है। अगर आप प्रॉपर रेस्ट नहीं देंगे तो आपको फैट लॉस जर्नी में प्रॉब्लम आ सकती है। नंबर टू पर आता है वाटर इनटेक, यानी कि पूरे दिन भर में जो भी आपकी बेसिक रिक्वायरमेंट है वाटर की वो आपको कंप्लीट करना है। अगर आप कंप्लीट नहीं करेंगे तो आपकी बॉडी डिहाइड्रेशन में जाएगी और डिहाइड्रेशन में होने के बाद में आपको फैट लॉस जर्नी में और बहुत सारी मेडिकल कंडीशन में भी प्रॉब्लम आ सकती है। नंबर थर्ड पर आता है आपका वर्कआउट्स, आपने सिर्फ डिपेंड होकर के नहीं चलना है कि आपने हर्बल लाइफ शेक ले लिया तो आपका रिजल्ट बन जाएगा, ऐसी गलती हमें नहीं करनी है। 45 मिनट्स की कोई भी आपकी एक हेल्थ एक्टिविटी, आउटडोर एक्टिविटी या फिर आप ऑनलाइन एक्टिविटी आप कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं, तो वो भी आपको करना चाहिए। नंबर फोर्थ पर आता है बॉडी को पूरी तरीके से एनालाइज करना, सिर्फ आप डिपेंड नहीं हो सकते कि आपने वेट कर लिया और आपका बॉडी का रिजल्ट आ गया, ऐसी गलती आपको नहीं करना है। कहीं ना कहीं आपका मसल मास भी मैटर करता है, तो आपको बॉडी कंपोजिशन पूरी तरीके से चेक करना है, बॉडी का मेजरमेंट लेना है, बॉडी के अंदर फैट मास कितना है वो सारी चीज़ें आपको चेक करनी है। उसके लिए आपको एक मशीन की जरूरत पड़ेगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने उस मशीन का लिंक डाला हुआ है जिसके अंदर पूरा बॉडी कॉम्पोजिशन आपको वहां पे आ जाएगा, तो आप वो मशीन वहां से जाकर के परचेस कर सकते हैं। नंबर फिफ्थ पर आता है डिनर टाइम, जो कि आज हमारा टॉपिक है कि रात को शेक के बाद में भूख लगती है तो क्या कर सकते हैं। तो डिनर का यहाँ पे मैं छोटा सा एक आइडिया दे देता हूँ कि आपको सोने से 3 घंटे पहले आपको आपका डिनर कंप्लीट कर लेना है। ऐसा नहीं है कि आप रात को 8 बजे आ रहे, 9 बजे डिनर किया और 10 बजे आप सो गए, ऐसी गलती आपको नहीं करनी है। कम से कम सोने से 3 घंटे पहले आपका डिनर कंप्लीट करना है। अब आते हैं फिर से हमारे टॉपिक के ऊपर कि रात में शेक लेने के बाद कुछ खा सकते या नहीं खा सकते। देखो, इस वीडियो को आपको सबसे पहले तो ध्यान से सुनना पड़ेगा और दूसरा मैं इसमें मेरा एक्सपीरियंस शेयर करूँगा आपके साथ में कि क्या हो सकता है अगर आप खाएंगे तो क्या नहीं हो सकता, दोनों बातों में डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले हम समझते हैं कि रात में जब आप शेक लेते हैं तो एक्चुअल में जो हर्बल लाइफ शेक है वो क्या है। देखो, हर्बल लाइफ शेक है प्रोसेस्ड फूड है, मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया हुआ है, यानी कि अगर आप जब वो उसको ले रहे हैं तो वो क्या हो रहा है, आपकी बॉडी के अंदर जल्दी डाइजेस्ट हो रहा है बिकॉज वो प्रोसेस्ड है, वो ऑलरेडी ब्रेकडाउन फॉर्म में है। यानी कि अगर आप रात को शेक ले भी रहे हैं तो ऑब्वियसली जाहिर सी बात है आपको भूख लगेगी ही लगेगी, तो उसमें कोई दोहराई वाली बात नहीं है। अब यहाँ पर कंडीशन दो खड़ी होती है कि आप रात को शेक लेते क्यों है। नंबर वन पर आता है कि अगर आप इवनिंग में वर्कआउट कर रहे हैं तो उसके बाद में आप रात को शेक लेते हैं, और नंबर टू पर आता है कि अगर आपका डिनर बहुत ज़्यादा लेट हो रहा है, अगर आप चाहते हैं कि भाई मेरे बॉडी के अंदर कुछ गंदा नहीं जाए तो वो आप शेक लेते हैं। ये दो कंडीशन होती है। सबसे पहले हम कंप्लीट करते हैं नंबर वन को। अगर आप इवनिंग में वर्कआउट कर रहे हैं और आपने आपका डिनर में अगर आपने शेक कंप्लीट किया तो वो आपका प्रॉपर डिनर नहीं हुआ, वो हुआ आपका पोस्ट वर्कआउट मील। जैसे कि मैं मेरा एग्जांपल देता हूँ, अगर मैं इवनिंग में वर्कआउट करूँगा और मैं उसके बाद में प्रोटीन शेक लूँगा या फिर हर्बल लाइफ शेक लूँगा तो वो मेरा
प्रॉपर जो है वो मेरा डिनर नहीं है, वो मेरी पोस्ट वर्कआउट इमीडिएटली ड्रिंक है, क्योंकि वो क्या हो रहा है मेरी बॉडी के अंदर आधे घंटे में डाइजेस्ट हो गई, बिकॉज वो फास्ट रिकवरी के लिए जरूरी है। ठीक है, अब वहां पे आपको क्या करना है, इस केस के अंदर आपको क्या करना है, जैसे ही आपने आपका वर्कआउट कंप्लीट करके आपने आपका प्रोटीन शेक कंप्लीट किया, हर्बल लाइफ शेक कंप्लीट किया, फिर उसके एक घंटे बाद में आपको कोई भी एक प्रोटीन सलाद मील आपको रखनी है, जैसे कि आप पनीर सलाद मील रख सकते हैं, या फिर आप एग सलाद मील रख सकते हैं, या फिर नॉन वेज तो फिश सलाद मील रख सकते हैं, या फिर आप मूंग रख सकते हैं, मूंग चीला रख सकते हैं, ओट्स चीला रख सकते हैं, ऑमलेट रख सकते हैं, ऐसी कोई भी एक वेरायटी है जो छोटी सी आपको मील आपको रखनी है, या फिर रोटी ले सकते हैं, सब्जी ले सकते हैं, राइस ले सकते हैं, पनीर राइस ले सकते हैं, इस टाइप की आपको लेनी है, जिससे क्या होगा आपको अच्छे से आपको आपकी जो डाइट है वो कंप्लीट हो जाएगी, और दूसरा आपकी प्रोटीन की जो रिक्वायरमेंट है और फिलअप हो जाएगी, आपको यहाँ पर टू टाइम शेक लेने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इस टाइप से आप अपनी मील को कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, तो एक तो आपका केस ये हो गया। अब नंबर टू पर आते हैं कि अगर लेट नाइट अगर डिनर हो रहा, उस केस में हम अगर शेक ले रहे हैं तो उसमें हमें क्या करना चाहिए। देखो, सबसे पहली चीज़ तो लेट नाइट आपको शेक लेना नहीं चाहिए, फिर भी अगर आप ले रहे हैं तो वहाँ पे आपको क्या करना है, जैसे कि अगर आपका 9 बजे आपका शेक कंप्लीट हो रहा है, ओके, रात का आप वर्कआउट नहीं कर रहे, आप खाली डिनर के हिसाब से शेक ले रहे हैं, अब आपने 9 बजे भी शेक लिया तो 9:30 बजे तो डाइजेस्ट हो गया बॉडी से, बिकॉज वो तो ब्रेकडाउन फॉर्म है, इस बात को भी तो हमें समझना पड़ेगा। अब आपको क्या करना है कि बिफोर बेड मील आपको ऐड करना, क्योंकि काफ़ी सारे लोग क्या करते हैं बिफोर बेड मील को स्किप कर देते हैं। तो बिफोर बेड मील के अंदर आपको क्या करना है, अलमंड्स मिल्क आपको कंप्लीट करके लेना है, जैसे कि आप 300 ml अलमंड्स ले सकते हैं, उसके साथ में आप 8 से 10 बादाम ले सकते हैं, तो ये आपकी प्रॉपर मील हो जाएगी, जिससे आपको मॉर्निंग में उठते ही आपको क्रेविंग भी नहीं होगी, भूख भी नहीं लगेगी, और आपको पूरी बॉडी है वो आपको अच्छे से सर्वाइव कर पाएगी रात को, तो आपके वहाँ पे भूख भी मिट जाएगी, और दूसरा आपकी बॉडी के अंदर कुछ गलत भी नहीं जाएगा। तो ये चीज़ें आपको करनी है। वैसे तो देखो, मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ क्लियर करता हूँ कि डिनर में आपको शेक लेने की ज़रूरत नहीं है, आप कोई भी एक अच्छे से एक छोटी सी मील ऐड कर लें तो ज़्यादा बेस्ट है, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग होते हैं ना जिनका शेड्यूल बहुत हैक्टिक होता है, अगर वो ले रहे हैं इस कंडीशन में तो वहाँ पर वो इसको ऐड ऑन कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको सिंपल सा है, इस केस में आपको क्या करना है, सिर्फ बिफोर बेड आपको मील ऐड करनी है, बस आपको ध्यान रखना है कि अनहेल्दी कुछ यूज़ नहीं करना है, अगर आप अनहेल्दी यूज़ करेंगे तो आपको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ सकती है। काफ़ी सारे लोग गलती क्या करते हैं कि शेक लगता है, मतलब शेक के बाद में क्या करते हैं, अननेसेसरी फूड्स आप ऐड कर लेते हैं अपने डाइट में, जिससे आपको वेट लॉस जाने में प्रॉब्लम आ सकती है, तो आपको ये चीज़ें फॉलो करनी है। हाँ, इवनिंग में अगर आपका वर्कआउट है और उसके बाद में अगर आप पोस्ट वर्कआउट ड्रिंक अगर आप शेक ले रहे हैं तो एक घंटे बाद आप अच्छी सी कोई भी छोटी एक हैवी मील रख सकते हैं, उसमें कोई दोहराई वाली बात नहीं है, वो आपको और अच्छा फ़ायदा ही करेगी, आपको दूसरा आपको प्रोटीन इनटेक की कमी को वो पूरा कर सकती है, तो वो मील आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी हो सकती है, क्योंकि मैं मेरे पोस्ट वर्कआउट ड्रिंक के बाद में मैं मेरी एक मील रखता ही रखता हूँ। ओके, तो आप भी इसको फॉलो कर सकते हैं इस तरीके से। उसके अलावा अगर आपको ये टॉपिक क्लियर हुआ तो अच्छी बात है, अगर नहीं है, अगर इसमें फिर भी अगर कोई डाउट है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे नंबर दे रखे हैं, वहाँ पर जाके आप मुझे व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो आप चाहे को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर करें, और मुझे कमेंट करके बताओ कि आपको और कौन से टॉपिक्स पे वीडियो चाहिए। जो भी मेरा नॉलेज होगा, मेरे बेटर नॉलेज साथ में, वो वीडियो लेके आऊँगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, बाय।